नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर डीजेज में से एक डीजे स्नेक का असली नाम क्या है? उनका असली नाम है विलियम सैमी एटियन ग्रिगसिन। जी हाँ, और आज हम आपको उनकी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी कामयाबी तक। विलियम एटियन ग्रिगसिन, जिन्हें हम सब डीजे स्नेक के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 13 जून 1986 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। डीजे स्नेक पेरिस में पले भरे, बचपन से ही उन्हें संगीत का बहुत शौक था। उन्होंने छोटी उम्र में ही म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा था। डीजे स्नेक का संगीत से लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय अपने संगीत कौशल को निखारने पर जोर दिया। उन्होंने अपने टीनेज में ही विभिन्न क्लबों और पार्टियों में डीजे के रूप में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि डीजे स्नेक को स्नेक नाम कैसे मिला। वे अपने यंग डेज में एक ग्रेफिटी आर्टिस्ट थे और पुलिस से बचने में बहुत माहिर थे, इसी कारण उनके दोस्तों ने उन्हें स्नेक नाम दिया। डीजे स्नेक का करियर 2011 में तब चमका जब उन्होंने बोन दिस वे एल्बम पर लेडी गागा के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता 2013 में आई जब टर्न डाउन फॉर व्हाट रिलीज हुआ। यह गाना एक वैश्विक हिट बन गया और डीजे स्नेक का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। डीजे स्नेक ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लीन ऑन जैसे हिट गाने दिए जिसमें मेजर लेसा और एम ने भी काम किया। इसके अलावा लेट मी लव यू में जस्टिन बीबर और में सेलिना गोमेज, ओजुना और कार्डी बी जैसे सितारों के साथ काम किया। उन्हें बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स और ग्रैमी नॉमिनेशन भी मिल चुके हैं। आज डीजे स्नेक सिर्फ एक डीजे नहीं बल्कि एक आइकॉन है। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई है और लाखों दिलों को जीता है। उनके संगीत में फ्रेंच संस्कृति की झलक मिलती है जो उन्हें और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डीजे स्नेक की, जो साबित करती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।